नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे हेल्दी टिप्स जिसकी हेल्प से आप आसानी से गर्भ धारण कर सकती हैं। हर लड़की चाहती है कि शादी के बाद वो माँ जरूर बने, और माँ बनकर ही एक औरत संपूर्ण कहलाती है। माँ बनना अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा एहसास होता है, लेकिन आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर बैठते हैं, और जिसकी वजह से हमें गर्भधारण करने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे हेल्पफुल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आपको गर्भधारण करने में आसानी होगी। साथ ही साथ इन टिप्स से आप अपने पार्टनर और अपनी सेहत का भी ध्यान रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि वो हेल्पफुल टिप्स कौन से हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि गर्भ धारण को कैसे रोके, तो उस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया, शेयर किया, लाइक किया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, उस वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, पसंद करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो थी कि गर्भ धारण को कैसे रोके, लेकिन आज की वीडियो है कि गर्भ धारण कैसे करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज मैं कौन से हेल्पफुल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से हेल्पफुल टिप्स हैं जिसे अपनाकर आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। प्रेग्नेंट होने का तरीका, गर्भ निरोधक लेना बंद करें। वैसे तो आप खुद ही काफ़ी समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर आप गर्भवती होने की इच्छा रखती हैं तो सबसे पहले गर्भ निरोधक दवाएं लेना बंद करें। इसके साथ ही अन्य गर्भ निरोधक उपाय जैसे कॉपर टी, रिंग आदि का उपयोग बंद कर दें और असुरक्षित यौन संबंध बनाएं। आमतौर पर गर्भ निरोधक गोलियाँ बंद करने के बाद आपका मासिक चक्र जल्दी ही सामान्य हो जाता है, और अगले एक या दो महीनों में आपकी गर्भधारण की क्षमता लौट आती है। हालांकि अगर आप गर्भ निरोधक के रूप में हार्मोनल इंजेक्शन का उपयोग करती हैं तो आपके मासिक चक्र को नियमित होने में कई महीने लग सकते हैं। और अगर आपने कॉपर टी या रिंग लगवा रखी है तो आपको डॉक्टर के पास जाकर उसे निकलवाना होगा और डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। प्रदूषण युक्त माहौल से दूर रहें। जल्दी प्रेग्नेंट होने का तरीका ये भी है कि आपके शरीर में प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक पदार्थ मौजूद ना हों, इसलिए जहां तक संभव हो आप प्रदूषण युक्त माहौल से दूर रहें। अगर आपको प्रदूषण भरी जगहों पर जाना पड़े तो अपनी त्वचा को ज़्यादा से ज़्यादा ढक कर रखें और नाक व मुँह पर हल्का गीला कपड़ा रखें। अगर आपके पति ज़्यादातर समय प्रदूषण वाली जगहों पर रहकर काम करते हैं तो इससे उनकी बच्चा पैदा करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए अगर संभव हो तो उन्हें प्रदूषण से बचकर रहने की सलाह दें और हानिकारक पदार्थों से बचने के उपाय बताएं। हल्की एक्सरसाइज, गर्भवती होने के लिए आपका शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको नियमित रूप से हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे आपका शरीर बच्चे के लालन पालन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और आप जल्दी गर्भधारण कर सकती हैं। मगर ज़्यादा व्यायाम आपके मासिक चक्र में गड़बड़ी पैदा कर सकता है, इसके लिए व्यायाम सीमित मात्रा में ही करें। साथ ही अपने पति को भी व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें। अपना वजन नियंत्रित रखें। अगर आप सोच रही हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए क्या करें, तो इसका सीधा सा जवाब है कि अपना वजन नियंत्रित रखें। सामान्य से कम या ज़्यादा वजन होने पर भी आपका मासिक चक्र गड़बड़ा सकता है, जिसकी वजह से आपको गर्भवती होने में ज़्यादा समय लग सकता है। वजन नियंत्रित रखने के लिए आपको हल्की एक्सरसाइज जैसे पैदल चलना, योग आदि करें और संतुलित खाना खाएं। आपके मासिक चक्र व ओव्यूलेशन को समझें। गर्भवती होने के लिए आपको अपने मासिक धर्म व ओव्यूलेशन, अंडाशय से निषेचन के लिए तैयार अंडा निकलना के चक्र को समझना चाहिए। इससे आपके गर्भवती होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आमतौर पर ओव्यूलेशन मासिक चक्र के बीच के दिनों में ही होता है। इसे इस तरह से समझें कि अगर आपका मासिक चक्र 28 दिनों का है, यानी आपके एक मासिक धर्म से दूसरे मासिक धर्म के बीच का अंतर 28 दिनों का है, तो आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन के आसपास हो सकता है। ओव्यूलेशन से ठीक पहले इंटीमेट करने से आप गर्भवती हो सकती हैं, यानी कि ओव्यूलेशन से ठीक पहले आपको अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने से आप गर्भवती हो सकती हैं। ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहने। ज़्यादा कसे हुए कपड़े पहनने से आपके प्राइवेट पार्ट में रुकावट पैदा हो सकती है। इसके अलावा कसे हुए कपड़ों में पसीना इकट्ठा हो जाता है और हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। नियमित रूप से हो इंटीमेट अपने पार्टनर के साथ, ये बच्चा पैदा करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। नियमित रूप से अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होती हैं तो गर्भवती होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए आपको हर महीने पीरियड के आखिरी दिन से लेकर अगले पीरियड के पहले दिन तक हर दूसरे या तीसरे दिन अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि रोज इंटीमेट होने से आप जल्दी गर्भवती हो सकती हैं। हालांकि हर रोज़ इंटीमेट होने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन आप या आपके पति थक सकते हैं और आपको ये सब कुछ बोरियत भरा लगने लगेगा।
जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होती हैं तो आप 15 से 20 मिनट पीठ के बल लेटे रहें, और ऐसे लेटने से आपकी गर्भधारण की संभावना भी बढ़ जाती है। पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं। गर्भवती होने के लिए आपका शारीरिक रूप से सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को विकसित होने के लिए कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों की बहुत ज़रूरत होती है, और वह इन्हें आपके शरीर से प्राप्त करता है। इसलिए आपको पौष्टिक व संतुलित भोजन खाना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें और आपका वजन नियंत्रित रह सके। प्रेग्नेंट होने का यह उपाय आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। फर्टिलिटी बढ़ाने वाले पदार्थ खाएँ। गर्भधारण करने के लिए आप आपके पति की फर्टिलिटी या गर्भधारण की क्षमता बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अच्छी दिनचर्या अपनाने के साथ ही आप फर्टिलिटी बढ़ाने वाली चीज़ें खा सकती हैं। हरी सब्जियां, कद्दू के बीज, सूखे मेवे व साबुत अनाज जैसी आदि चीज़ें खाने से आपकी फर्टिलिटी पहले से बेहतर हो सकती है। अपने साथ ही अपने पति को भी ये सभी चीज़ें खिलाएं। इनके अलावा उन्हें जिंक, फॉलिक एसिड व विटामिन सी से भरपूर चीज़ें भी खिलाएं। जिंक के लिए उन्हें अंडे, अखरोट, मांस व दालें खिलाएं। उन्हें फॉलिक एसिड के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां और विटामिन सी के लिए खट्टे फल खिलाएं। आप दोनों की फर्टिलिटी बेहतर होने पर आप जल्दी ही गर्भवती हो सकती हैं। फॉलिक एसिड व मल्टी विटामिन लें। अगर आप गर्भवती होने की तैयारी कर रही हैं तो महिलाओं को नियमित रूप से फॉलिक एसिड व मल्टी विटामिन दवाएँ लेनी चाहिए। बच्चे को जन्मजात विकारों के खतरे से बचाकर रखने के लिए आपको गर्भवती होने से कम 1 महीने पहले से हर रोज़ 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना चाहिए। जब तक आपको आपकी गर्भवती होने का पता चलता है तब तक आप लगभग 3-4 हफ्तों की गर्भवती हो चुकी होती हैं। इस समय तक बच्चे की न्यूरल ट्यूब, रीढ़ व दिमाग के रूप में विकसित होने लगती है। इसलिए गर्भवती होने के पहले से ही फॉलिक एसिड व मल्टी विटामिन लेने से बच्चा इनकी कमी से होने वाली घातक बीमारियों से सुरक्षित रहता है। अपने मुँह की जाँच करवाएं। भले ही आपको यह सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे कि आपके मुँह की सेहत का आपकी गर्भधारण की करने की क्षमता पर भी असर पड़ता है, जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। अगर आपको मसूड़ों या दांतों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको गर्भवती होने में सामान्य से 2 महीने ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए आपको दांतों के डॉक्टर से अपने मुंह की जांच करवानी चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो उसका इलाज तुरंत करवाएं। आपका मौखिक स्वास्थ्य सही होने पर आपके गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है। सब्र से ले काम। आपको गर्भधारण करने में लगने वाला समय कई चीज़ों जैसे आप अपने पार्टनर के साथ अगर इंटीमेट होती हैं, आपकी उम्र व सेहत आदि पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आपको तुरंत सफलता नहीं मिलती है तो परेशान ना हो और सब्र से काम लें। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से कम है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आप लगातार कोशिश करने पर 1 साल के अंदर गर्भवती हो सकती हैं। वहीं अगर आप 35 वर्ष से ज़्यादा की उम्र की हैं तो लगातार कोशिश करने पर आपको गर्भवती होने में 1.5 से 2 साल का वक्त लग सकता है। पर्याप्त मात्रा में सोएं। नींद की कमी से आपका शरीर जरूरत से ज़्यादा थक सकता है, जिसकी वजह से आपकी गर्भधारण की क्षमता पर गलत असर पड़ सकता है। इसलिए आपको हर दिन पर्याप्त मात्रा में सोना चाहिए। अगर आप अपने सोने की एक नियमित दिनचर्या बना लें, जैसे आप हर रोज़ रात को 10 बजे आप टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि सब बिजली के उपकरण बंद कर दें, इससे आपको आराम मिलेगा, आप तनाव मुक्त होंगी और अच्छी नींद आएगी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का उपयोग घटाएं। आपको शायद कभी नहीं लगा होगा कि आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे फेस वॉश, फेस क्रीम, बॉडी लोशन, सनस्क्रीन आदि की आपकी गर्भधारण की क्षमता पर कोई असर पड़ सकता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इन उत्पादों में पाए जाने वाले रसायन आपके प्रेग्नेंट होने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। इनमें जीनो एस्ट्रोजन नामक रसायन प्रमुख हैं। ये रसायन प्राकृतिक एस्ट्रोजन हार्मोन की नकल करते हैं। इन रसायनों की वजह से महिलाओं व पुरुषों की फर्टिलिटी यानी कि गर्भधारण करने की क्षमता कम हो सकती है। इसके अलावा कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें ये सब चीज़ें ना हों, और उसमें DEA यानी कि डाई एथोनॉल एमीन जैसे पदार्थ ना हों। और कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। धूम्रपान ना करें और ना ही कोई शराब का सेवन करें। जल्दी प्रेग्नेंट होने का उपाय यह भी है कि आप सभी तरह के हानिकारक रासायनिक पदार्थों जैसे निकोटीन आदि से दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें। इसलिए अगर आप गर्भवती होना चाहती हैं तो सिगरेट आदि बिल्कुल ना पिएं। अगर आप या आपके पति सिगरेट पीते हैं तो आज से ही इन्हें छोड़ने की शुरुआत कर दें, और कोई भी अल्कोहल वाली चीज़ें ना लें। सिगरेट पीने से आपकी प्रजनन क्षमता कम होने के साथ ही आपके होने वाले बच्चे में शारीरिक व दिमागी समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही इससे गर्भपात समय, पूर्व प्रसव जैसी जटिलताएं भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए आपको सिगरेट पीना छोड़ने के बाद ही गर्भवती होने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आपको स्वयं सिगरेट ना पीने के साथ ही सिगरेट पीने वाले या अन्य लोगों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि सिगरेट का धुआं भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। चाय कॉफ़ी पीना कम कर दें। जी हाँ, अगर आप चाय या कॉफ़ी का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में करती हैं तो चाय या कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इससे भी आपकी गर्भधारण की क्षमता पर असर पड़ता है। और यदि अगर आप शराब पीती हैं तो शराब
ना पिए क्योंकि इससे भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है और गंभीर मामलों में आपका गर्भपात भी हो सकता है। इसलिए अभी से शराब से भी दूरी बना लें क्योंकि शराब भी फर्टिलिटी को कम करती है। तनाव से बचें। गर्भवती होने के लिए आपका शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि तनाव आपके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर बुरा प्रभाव डालता है। यह आपके हाइपोथैलेमस दिमाग का एक अहम भाग यानी कि पीयूष ग्रंथि को प्रभावित करता है। यह ग्रंथि एड्रेनल, थायरॉयड व अंडाशय को नियंत्रित करती है, इसलिए ज़्यादा तनाव से आपकी गर्भवती होने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। आपको गर्भधारण करने के लिए शांत और खुश रहना चाहिए। खुद को तनाव से बाहर आने के लिए थोड़ा समय दें ताकि आपके गर्भवती होने की संभावना अधिक हो जाए। कुछ समय के लिए अपना ध्यान अन्य चीज़ों पर लगाएं। तनाव को दूर भगाने के लिए आप अपने पति और दोस्तों या पालतू जानवर या आदि के साथ अपना समय बिता सकती हैं। और हाँ, डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें। और एंड में मेरा सबसे लास्ट टिप ये है गाइस कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए इंतज़ार करें। मैं भी ये बात अच्छे से समझती हूँ गाइज कि आप अपने गर्भवती होने की खबर का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं, मगर जल्दी और बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट करने से आप तनावग्रस्त हो सकती हैं क्योंकि इससे आपकी गर्भवती होने के बावजूद आपको नकारात्मक परिणाम दिख सकते हैं। जब भ्रूण आपके गर्भ से जुड़कर HCG हार्मोन बनाने लगेगा और आपके शरीर में इस हार्मोन की पर्याप्त मात्रा बन जाएगी, तभी प्रेगनेंसी टेस्ट आपकी गर्भावस्था का पता लगा सकेंगे। इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कम से कम अपने अगले मासिक धर्म के ना आने तक इंतज़ार करें। अगर आप गर्भवती हैं तो इस समय तक आपके शरीर में HCG हार्मोन की पर्याप्त मात्रा बन जाएगी और आपको सही परिणाम मिल पाएगा। इसीलिए प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बेसब्र मत होइए। और गाइस, जितनी भी मैंने आपको यहाँ पर टिप्स दी हैं, अगर आप इनमें से कोई भी टिप्स अपनाती हैं तो प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। सो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हों और आपके लिए हेल्पफुल रहे हों।